जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम प्रसाद है, पेशे से मैं भारतीय पेंटर के नाम से मैं पॉपुलर हूँ। कौन से पंचर? पेंचर नहीं, पेंचर भारतीय पेंचर, पेंचर तो साइकिल के हुआ है। आप कैमरे पे दिखेंगे थोड़ा सा ऐसे आ ऐसा है आप राम आप अच्छा एक अरे एक अरे अंकल एक अंकल एक मिनट माइक मेरी तरफ है, मैं पूछता हूँ सवाल आपसे। आप भारतीय पेंटर हैं, आप पेंट करते हैं, कैथल में कब से रह रहे हैं? मैं तो पहले ही कैथल में हुआ हूँ। पहले ही कैथल में हुए? यस आई एम आई वाज बोर्न इन कैथल इन 1950। मेरे पिताजी 1928 में पैदा हुए थे। सर आपकी उम्र नहीं लगती इतनी। आई एम 70 इयर्स ओल्ड, 70 वाला लग रहा, अभी भी घोड़े पर का पड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा आपने तो कई सारे चुनाव देखे, राज्य के देखे, देश के देखे, कैथल के देखे, विधायकी के, कैसा चुनाव इस बार का कैसा चुनाव? देखो मैं एक बात कहता हूँ कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है सूबे में वही आनी चाहिए। क्यों? कि जब तालमेल सेंटर का और प्रांत का बनता है तब प्रांत तरक्की करेगा। अगर मेजोरिटी सरकार की नहीं आंधी कूदा रही हो पावर करेगी कहाँ? भी सोनिया नहीं बैठी ऊपर, अब खगड़ है, मोदी छापे जारी रहेंगे, कभी गलती ना करना, नहीं 5 साल पिछड़ जाएगा कैथल। याद रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस। केंद्र में कौन है? अगर मेरा दुश्मन स्टेट में होना माफ करना, दुश्मन को कोई मजबूत नहीं होने देता कि सर उठा के मेरा मुकाबला करे। पॉलिटिक्स सही है, मदद भी करेगा और करेगा इतनी लेट कि उसका कचूबर निकल जाएगा। अच्छा सर, लेकिन हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं ना, डेमोक्रेसी हमारे हमारे इधर तो इंडिपेंडेंट विधायक मेजोरिटी नहीं आती, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। रणदीप जी ने काम पिछले पांच साल कराया 2009 से 2014, क्योंकि उस समय सोनिया थी ऊपर और सोनिया के बिल्कुल क्लोज है। वो सोनिया के क्लोज है, राहुल गांधी के क्लोज है, क्योंकि सोनिया के राहुल गांधी तो हार गया, क्योंकि सोनिया के क्लोज तो हुड्डा जी कहलाए जाते हैं। जिसे रिजाइन भी दे गया उसकी बात तो छोड़ो आप, अब सोनिया जी फिर आ गई वापस। लेकिन सरकार किसकी आएगी? माफ करना, सरकार अगर एक पार्टी की आएगी स्टेट तब तरक्की करती है जब तालमेल सेंटर का और स्टेट का बनता है। माफ करना, दुश्मन को कोई सर नहीं उठाने देता। मैं चाहूंगा कि मेरा विपक्ष मेरे आगे आंख उठाए, हरगिज नहीं। अच्छा ऐसा सर, अगर ऐसा है तो फिर तो स्टेट में इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो होंगे, रुझान किस तरफ है? अरे कमाल कर रहे हो, इतने इतने बड़े तोपों के हाथ डाल के उनको नंगा कर दिया मोदी ने, अभी भी जनता नहीं जागती। शरद पवार का नंबर है, 22 से शुगर मिला ले रहा और वो सारा पैसा खजाने में जमा होके गरीबों के लिए क्वार्टर बनेंगे वो मुसलमान की कश्मीर में। गाली नहीं। आज तक किसी और पार्टी ने क्यों नहीं तोड़ा? 370 को क्यों नहीं तोड़ा? अच्छा आपको सवाल पैदा हो गया। अच्छा आप अगर मोदी तो मोदी जी तोड़ सकते हैं तो बाकी मर गए थे मुसलमान ने के वोट ना खराब हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बात सुनिए भाई साहब, सच्चाई है। आप अपने एक मिनट मेरा सवाल तो सुनिए। इन लोग पे इतने करोड़ रुपए खैर जा, शरद पवार का नंबर है, फिर इसका भी लगा नंबर। अच्छा इधर सीबीआई तैयार बैठी है, सीबीआई मेरी एक बात सुनिए, कैसे बनी? आप जब वोट देने जाएंगे आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे, सुनिए अरे सुनिए, आप सेंटर को देखेंगे बिल्कुल। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए कहाँ, पूरे देश का प्रधानमंत्री कहाँ, गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। लेकिन आपका तो जो विधायक है वो तो मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी बनाएगा। जब मेजोरिटी आएगी तो ना, जब मेजोरिटी आएगी तब ना, निकूदा रही हो, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। अच्छा चलिए, आपको सुरजेवाला जी का कोई काम अच्छा लगा? देखो काम उसने किए हैं इसमें कोई शक नहीं, युद्ध स्तर पे, लेकिन मकसद उसने क्या था कि हर साल हर 5 साल प्लान के बाद मैं बनूं, जैसे भंजनलाल जी ने काम आदमपुर में कराया और कभी वो हारे नहीं। लेकिन अब स्थिति कुछ और है, ऊपर सोनिया जी नहीं है,
ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं। सेंटर में जो सरकार होती है ना, सूबे में अगर वो पार्टी ना आए तो सूबा तरक्की नहीं करता। मेरी बात नोट कर लेना बस। चलिए चलिए, शुक्रिया।